सिंगरौली में एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने डॉक्टरी को पेशा न मानकर इसको अपना मानव सेवा धर्म बना लिया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गंगा वैश की, जो सरकारी अस्पताल में तो अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं, साथ ही वे क्षेत्र के कई गांव में अपनी निःशुल्क सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टरी एक पेशा नहीं, सेवा है, इसको साबित किया सिंगरौली में पदस्थ डॉक्टर गंगा वैश ने। उन्होंने डॉक्टरी को मानव सेवा के रूप में लिया है। डॉक्टर गंगा वैश, इनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा बैढ़न सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से की। इसके बाद एमडी की डिग्री कानपुर मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की और मेडिसिन में अपनी विशेषज्ञता हासिल कर ली। वैसे तो ये सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये गांव में भी जाकर लोगों को अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। डॉक्टर गंगा वैश्य ने लंदन से डायबिटिक रोग के विषय में विशेषज्ञता हासिल कर ली है, जिससे क्षेत्र में डायबिटिक रोगियों के लिए मसीहे के रूप में उभरे हैं। आज के डॉक्टरों को इनसे सीखने की आवश्यकता है, जो पैसों के लिए मरीजों का इलाज करने से मना कर देते हैं। जी, यहाँ पे हम लोग डायबिटीज अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने कैंप लगाया है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए। बेसिकली यहाँ पे जो यू बेल्ट है, सिंगरौली क्या कहें, पूरे भारत में ही कहें, पूरी दुनिया में ही कहें, जिस हिसाब से डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक भयावह रूप लेता जा रहा है, इसकी वजह यही है कि लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। लोगों का खान पान मतलब जिसे बोलते हैं खाना पीना किस तरह से खाया जाए और कितनी मात्रा में एक्सरसाइज किया जाए, मतलब इसके बारे में अगर कहा जाए तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को। लोगों के बारे में इस बीमारी के बारे में पता तो चल जाता है कि हमें शुगर हो रहा है, लेकिन कैसे रोका जाए इसको, इसको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।